नमस्कार, चलिए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ में आज मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां कम बारिश होगी, कहां ज्यादा, किस जिले में हवा की गति कितनी होगी और किन किन जिलों में तापमान कैसा रहने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले उन जिलों के बारे में जान लेते हैं जहां पर बहुत ही हल्की बारिश या यूं कहे कि घने बादल तो छाए रहेंगे लेकिन बारिश होने की संभावना बहुत ही कम है। वे जिले हैं कोरबा, जसपुर, रायगढ़, मानपुर, मुंगेली, कवर्धा, अंबिकापुर, बलरामपुर, सारण, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, चिरमिरी, सूरजपुर और मनेन्द्रगढ़। इन जिलों में छिटपुट वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। मध्यम वर्षा वाले जिले की बात करें तो आज के डेट में छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में मध्यम वर्षा होने की कोई संभावना नहीं बन रही है। भारी बारिश वाले जिले की बात करें तो आज के डेट में छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में भारी बारिश होने की कोई संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा नहीं जताई गई है। साफ मौसम वाले जिले की बात करें तो वे जिले हैं रायपुर, बिलासपुर, बीजापुर, कोरिया, जांजगीर चांपा, कोंडा गांव, धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, गरियाबंद, बेमेतरा, बलौदा बाजार, भाटापारा, नारायणपुर, महासमुंद, सुकमा, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, जगदलपुर, सक्ती और बालोद। इन सभी जिलों में मौसम साफ रहने वाला है तथा धूप भी देखने को मिल सकती है। तापमान की बात करें तो अधिक तापमान वाले जिले हैं गरियाबंद और भिलाई जहां पर 32 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान। न्यूनतम तापमान वाले जिले की बात करें तो वे जिले हैं जसपुर और अंबिकापुर जहां पर 25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान। वही बाकी जिलों की बात करें तो 26 से 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाली है तापमान की मात्रा। हवा की गति की बात करें तो अधिक हवा चलने वाले जिले हैं सूरजपुर और चिरमिरी जहां पर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। न्यूनतम हवा वाले जिले की बात करें तो वे जिले हैं गरियाबंद और भिलाई जहां पर 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वही बाकी जिलों की बात करें तो 19 से 26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारे इस वीडियो में आपके जिले की जानकारी नहीं मिल पाई होगी तो कमेंट बॉक्स में आप अपने जिले का नाम जरूर बताएं जिससे आप तक हम आपके जिलों की जानकारी पहुंचा सकें।